फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को तीन ऐसे कमाल के सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो तीन सेटिंग ऑन करने के बाद आप अपने मोबाइल के डाटा को सेव कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको डाटा यूजर्स में कितना मिलता है, अगर आप रिचार्ज मारते तो आपको 1 GB या 2 GB आप जितने का रिचार्ज मारते उतना मिलता है, लेकिन जब उसे यूज करने लगते हो तो इतना फटाफट खत्म हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता हमने कितना यूज किया। इतना ही एक या तो गेम प्ले या तो यूट्यूब वगैरह थोड़ा सा देख लेते हो, टिकटॉक वगैरह कोई भी मतलब यूज करते हो एप्लीकेशन है, देखते हो वीडियोस वगैरह, उससे हमारा फटाफट क्या होता है, यहाँ पे MB खत्म हो जाती है। पूरा डाटा जितना रहता है 1 GB रहता है पूरा खत्म हो जाता है फटाफट। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट स्लो हो जाता है और बोझ हमें बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा लगता है, कंटाला सा आने लगता है। तो लेकिन अब जो आज मैं तीन सेटिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, अगर आप वो तीन सेटिंग ऑन कर लेते हो ना, उसके बाद आपको जो 1 GB डाटा मिलता है ना, उसे भी आप बहुत ही ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हो, क्योंकि उसकी भी कुछ रीजन है जो इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और एक छोटा सा काम कर देना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन करके दबा देना, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को ना एक लाइक कर देना, लाइक करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो भी आपको अच्छा लगे, आप अपने मन से कमेंट कर सकते हो, मेरे बोलने पर कमेंट मत करना। नाइस ट्रिक, नाइस एप्लीकेशन, नाइस सेटिंग, या अपना नेम भी कमेंट कर सकते हो, आप कहाँ से हो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाइस ट्रिक यहाँ पे कमेंट कर देता हूं, यहां पे नाइस ट्रिक फिर सेंड कर देना है। बस इतना सा करने के बाद आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला सेटिंग है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, YouTube में जाना है। YouTube में जाने के बाद यहां पे अपने प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहां पे क्या करना है, अपने सेटिंग में चले जाना है। तो यहां पे सेटिंग में जाने के बाद यहां पे क्या करना है, आपको डाउनलोड्स का जो ऑप्शन दिख रहा है ना यहां पे, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो क्या है, डाउनलोड्स क्वालिटी। तो यहां पे इसे क्या है ओपन करना, ओपन करने के बाद एस या तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको आस्क इस टाइम, या तो फिर उसके बाद क्या करना है, मीडियम 360 पे कर देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी आप यहाँ पे वीडियोस डाउनलोड करके रखते हो उसे क्या होता है ना, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे अगर आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करके रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जब वो री डाउनलोड होता है, आपको पता है उसका ज्यादा दिन तक डेट नहीं चलता है। जैसे वो री डाउनलोड होता है ना, तो हाई क्वालिटी में डाउनलोड होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि वो वीडियो फिर से डाउनलोड हो रहे हैं और वो फटाफट डाउनलोड हो जाता है और आपकी MB खत्म हो जाती है। तो इसे क्या करना है, पे कर देना है। और जो दूसरी सेटिंग है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो, गूगल क्रोम। तो हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है। जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करोगे ना, तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी जो कि मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक दिखने को मिल जाएगा, नीचे चले जाना है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फिर यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी लाइट मोड, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो लाइट मोड के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे इसे अगर यहाँ से ऑफ रहेगा तो इसे यहाँ पे क्या करना, ऑन कर देना। इसे ऑन करने के बाद क्या पता चलता है कि आप कितने GB डाटा यूज किए हो, यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता देगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा सेव्ड, और यहाँ पे डाटा आपका सेव कितना हो रहा है वो भी आपको बता देगा, यहाँ पे आपको बता देगा इसे ऑन करने के बाद। तो इसे हमेशा ऑन करके रखे, ये थी हमारी दूसरी सेटिंग। अब तीसरी सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट सेटिंग है तीसरी सेटिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ पे प्ले स्टोर में जैसे ही जाओगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑफ सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑटो अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे ऑटो अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे देख सकते हो ओवर नेटवर्क एनी पे कर देना है, यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि नहीं, कभी भी क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन का अपडेट आ जाता है और आप उसे अपडेट नहीं करते, उसे परमिशन नहीं देते अपडेट होने का, फिर भी क्या होता है, वो बैकग्राउंड में नेटवर्क पाने की वजह से, फास्ट इंटरनेट होने की वजह से क्या होता है, अपडेट हो जाता है। तो ऐसा अब नहीं होगा, आपके विदाउट परमिशन का नहीं अपडेट होगा। इससे क्या होगा, आपकी डाटा ज्यादा से ज्यादा बची रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो वीडियो प्ले, यहाँ पे आप देख सकते हो इसे क्या कर देना है, डोंट प्ले ऑटो वीडियो। यहाँ पे क्या होता है, इससे क्या होता है, आप कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हो तो उस पर एड आती है ना, एड आने पर क्या
होता है कि वो वीडियो कोई भी छोटी छोटी स्किप होती है, वीडियो की ऐड होती है जो वो प्ले हो जाती है, तो उससे क्या होता है आपकी डाटा खत्म होती है, उसे भी ऑफ करके रखना है, डोंट ऑटो प्ले पे रखना है, ताकि आपके कोई भी अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड भी करते हो ना तो उसमें कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगी, तो इससे भी आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा सेव होएगा। तो आप लोगों को कैसी लगी ये तीन सेटिंग, कौन सी सेटिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी और कौन सी सेटिंग आप लोगों को पता थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन और नए ट्रिक के साथ।